हेलो फ्रेंड्स, एनबीटी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे वेनिला चॉको चिप कुकीज बनाना। कुकीज किसे पसंद नहीं, घर के बच्चों से लेकर बड़े तक इसके दीवाने होते हैं। बाजार में मिलने वाली कुकीज काफी महंगी होती है, बावजूद इसके लोग इसे घर में नहीं बनाते। उन्हें लगता है कि उनके हाथ से वो टेस्ट नहीं बैठ पाएगा। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो चलिए आपको बनाते हैं एक आसान रेसिपी, जिसे फॉलो करके आप भी बना पाएंगे उतनी ही टेस्टी कुकीज। वेनिला चॉको चिप कुकीज बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में मक्खन लें। आप चाहें तो मक्खन को कुछ देर गैस पर रखकर पिघला सकते हैं। अब इसके अंदर चीनी पाउडर मिलाएं। अब इन दोनों को अच्छे से कुछ देर के लिए मिक्स करें। जब मक्खन और चीनी आपस में ठीक तरीके से मिल जाए तो इसमें एक कप मैदा मिलाएं। अब इसके बाद इसमें बेकिंग पाउडर डालें। फिर बेकिंग सोडा और इसके बाद वेनिला एसेंस डालें। अब इसमें चॉकलेट चिप्स डालें और आखिर में दूध डालकर ठीक तरीके से सभी इंग्रेडिएंट्स को मिला लें। जब मिक्स थोड़ा हार्ड होने लगे तो इसे आटे की तरह गूंद लें। ध्यान रखें कि आटा नरम रहे। जब आटा तैयार हो जाए तो इसके गोल गोल पेड़े बनाकर रोटी की तरह बेल लें। आप कुकीज की मोटाई अपने अनुसार रख सकते हैं। अब कुकी कटर की मदद से आप मनपसंद शेप में कुकीज काट सकते हैं। हम इसे हार्ट शेप में काट रहे हैं। जब कुकीज आप पूरी तरीके से काट लें तो इसे किनारों से अलग कर लें। अब ओवन को 10 मिनट के लिए प्रीहीट करें और कुकीज को बेकिंग ट्रे में रख दें। कुकीज को बेकिंग ट्रे में जमाने के बाद आप इसे ओवन में पकने के लिए रख दें। कुकीज के पक जाने के बाद आप इसे ओवन से निकालकर कुछ देर ठंडा होने के लिए रख दें, ताकि कुकीज और भी क्रिस्पी हो जाए। इस तरीके से तैयार है आपकी वेनिला चॉको चिप कुकीज। आप इसे चाय या कॉफी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसे बच्चों को शाम के नाश्ते के रूप में भी दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपने व्यूज बताएं और ऐसे ही मजेदार रेसिपीज के लिए एनबीटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।